आज हम बना रहे हैं राजस्थानी कढ़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत सुनीता किचन में। कहो कैसे हो आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए बड़े कप से एक कप भर के हमने खट्टी वाली दही लिया है। तो दही आपको खट्टी वाली लेनी है, यानी एक दिन का पुराना दही लेना है, क्योंकि जो कढ़ी होती है वो खाने में खट्टी ही अच्छी लगती है। तो दही को हमने छन्नी में डाल दिया है। साथ में दही में हम डाल देंगे बड़े चम्मच से एक चम्मच भर के बेसन। तो बेसन को छान लेना है, यानी चाय वाले छोटे कप से आधा कप बेसन, और चम्मच से देखेंगे ना छोटे चम्मच से तो 4 से 5 चम्मच बेसन लेना है। और दही बेसन को इस तरीके से साथ में चलाते हुए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, छान लेंगे। और छन्नी में ही डाल देंगे दही वाले कप से 2 कप भर के पानी। पानी डालकर छन्नी को अच्छे से साफ कर लेना है। छन्नी में डालकर अगर आप दही को निकालेंगे, बेसन को छानेंगे, तो बेसन में भी कोई गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर दही में मलाई होगी ना, वो भी छन्नी में रह जाएगी। आप देख सकते हैं अच्छे से एकदम मिक्स हो चुकी है, चिकनी हो चुकी है, मलाई बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा। अगर लाल मिर्च नहीं खाते हैं आप इसे नहीं डालिएगा। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि दही बेसन अच्छे से फूल जाए। पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, यानी 2 गिलास पानी डाल देते हैं। पानी डालकर मिलाकर इसे छोड़ देंगे, बेसन अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे बाउल लेंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1.5 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। हल्दी का हमें यहाँ पे घोल बनाकर तैयार करना है। जब हम कढ़ी बनाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं मसाला में हम हल्दी डाल देते हैं या फिर दही बेसन के घोल में हम हल्दी ऐड करते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से हल्दी डालकर आप कढ़ी बनाइएगा। कढ़ी आपकी बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनकर तैयार होगी। हल्दी को हमने तैयार कर लिया, गैस चलाकर कढ़ाई को गर्म किया और यहाँ पे हमने डाल दिया 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल। तेल को गर्म करने के बाद छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा डाल देना है। 1 ही चम्मच यहाँ पे सौंफ डाल देना है, तो सौंफ जरूर ऐड करना है। एकदम थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम साबुत धनिया डाल देना है। और एकदम थोड़ा सा यहाँ पे धनिया के बराबर यहाँ पे मेथी दाना डाल देना है। तो मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो मेथी दाना जो होता है ना थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो मेथी दाना एकदम थोड़ा सा ऐड करिएगा। 4 से 5 साबुत लौंग डाल देना है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे अदरक को कद्दूकस करके डाल देंगे, यानी आधा चम्मच अदरक को कद्दूकस करके डाल देना है। 2 यहाँ पे हमें हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। तो जितना ये स्पाइसी आपको पसंद है खाना, आप तीखा पसंद करते हैं, उस हिसाब से हरी मिर्च डाल दीजिएगा। हल्का सा 30 सेकेंड के लिए भून लेना है। उसके बाद हल्दी वाले पानी को डाल देना है। तो गैस को मीडियम कर दीजिए, हल्दी को पानी को अच्छे से भून लेना है कि हल्दी हमारी पक जाए। तो गैस को हमने मीडियम रखा है। साथ में यहाँ पे हम 10 से 15 करी पत्ता भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। हल्दी को भी लगातार चलाते हुए हमने अच्छे से भून लिया है। जब हल्दी अच्छे से भून जाए तो आधा कप पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, आधा कप पानी डालकर हल्दी और पानी को अच्छे से मिला लेना है कि हल्दी में गांठें बिल्कुल ना रहे। जब हल्दी पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को तेज़ कर दीजिए। और जैसे लगे हल्दी पानी बॉयल आ गई है, तब जो हमने बेसन और दही का घोल तैयार किया था उस घोल को हम हल्दी वाले पानी में डाल देंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाए तभी आप दही और बेसन का घोल डालिएगा। दही बेसन का घोल डालते समय मैंने कैमरा को बंद रखा था, हम आपको नहीं दिखा पाए। बस जैसे हल्दी वाले पानी बॉयल आए आप घोल को, दही और बेसन के घोल को डाल दीजिएगा। गैस को तेज़ रखना है और लगातार चलाते रहना है। उबाल आ जाए कढ़ी में तब यहाँ पे हम थोड़ी रुक रुक के कढ़ी को चलाएंगे। और जब तक कढ़ी अच्छे से पक ना जाए ना, तब तक हमें कढ़ी को पकाना है। यानी जितना ज़्यादा पकाएंगे कढ़ी हमारी उतनी बढ़िया, उतनी ही लाजवाब टेस्टी बनकर तैयार होगी। यानी कम से कम आधा घंटा के लिए हमें कढ़ी को बनाकर तैयार करना है, पकाकर तैयार करना है। कभी कभी क्या होता है, समय कम रहता है तब 15 से 20 मिनट के लिए कढ़ी को पकाते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा के लिए हमें कढ़ी को जरूर पकाना चाहिए। और बीच बीच में जब उबाल आ जाए ना, तो बीच बीच में हमें कढ़ी को चलाते भी रहना है, जिससे कढ़ी नीचे से लगे ना। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हल्दी का कलर बहुत ही बढ़िया आ रहा है और साथ में बेसन भी, कढ़ी भी गाढ़ी हो रही है। जब हम थोड़ी ज़्यादा देर तक पकाते हैं ना, तो बेसन भी बढ़िया से पक कर तैयार होता है। इसलिए जब भी कढ़ी बनाएं थोड़े ज़्यादा पकाएं, कम से कम आधा घंटा के लिए। यहाँ पे हमारी कढ़ी लगभग बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें पतली लग रही है, इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अगर आपको लग रहा है कढ़ी गाढ़ी हो गई है, अभी इसे और पकाना है, आप यहाँ पे गुनगुना यानी हल्का गर्म पानी डाल दीजिए। कढ़ी आपको ख़राब नहीं लगेगा, ऐसी टेस्टी लगेगी, लेकिन अगर आपको गाढ़ी लगे तो। अब यहाँ पे हम स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक सबसे लास्ट में ऐड करना है, पहले नमक नहीं डालिएगा।
नमक लास्ट में डालिएगा। जब लगे आपको कड़ी बनकर तैयार हो गई है तब आप यहाँ पे नमक डाल दीजिएगा। पहले नमक डालने से क्या होता है, कभी कभी कड़ी फट जाती है। एक बार फिर गैस को हमने तेज कर दिया, अच्छे से उबाल आते हैं कड़ी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, गैस को हमने बंद कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। बिना पकौड़े वाली कड़ी है, कसूरी मेथी आपको ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अभी आपको पतली लग रही है लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी ना एक गाढ़ी होगी। आप इसके साथ रोटी पूरी पराठे चावल कुछ भी खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब लगती है। बिना पकौड़े वाली राजस्थानी कड़ी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। कड़ी को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर तड़का तैयार करते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर हमने देसी घी डाल दिया कलछे में। अच्छे से घी को गर्म करने के बाद 3 से 4 लहसुन लेना है। लहसुन को बारीक कट करके घी में डाल देना है और हल्का सा लाल करना है। गैस को हमने यहाँ पे बंद कर दिया था क्योंकि जो घी है ज़्यादा गर्म हो गई थी। अगर इससे ज़्यादा हम लहसुन को लाल करते हैं, गैस को ऑन करते ना, तो लहसुन जल जाती और लहसुन का टेस्ट खराब हो जाता। तो लहसुन को हमें हल्का से लाल करना है। साथ हमने राई डाल दिया छोटी चम्मच से। राई नहीं है तो सरसों डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पे 2 से 3 चुटकी हींग डाल देना है। इस तड़का को हल्का सा लाल करने पर आप देख सकते हैं लहसुन को मैंने ज़्यादा लाल नहीं किया, बस इतना ही लहसुन हमें लाल करना है। और तड़का को लाल करने के बाद इस तड़के को हम कढ़ी में डाल देंगे। तो कढ़ी यहाँ पे हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। एक बार टेस्ट कर लिया ना दोबारा जरूर ट्राई करोगे, बहुत ही पसंद आएगी, उंगलियाँ चाट के रह जाएंगी। थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कढ़ी हल्की सी ठंडी हो गई है, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी और भी गाढ़ी होगी। इसलिए कढ़ी जब भी बनाए ना उसे हल्का सा पतला रखें। बिना पकौड़े वाली राजस्थानी कढ़ी को आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब लगती है। अगर आपको ये रेसिपी, कढ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।